हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं ड्रामा टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो आप यहां पर अपने व्हाट्सअप के पेमेंट से जो अपना बैंक को जो रिमूव कर सकते हो एंड किस तरह से आप यहां पर व्हाट्सअप यूपीआई को आप यहां पर से जो डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर चाहते हो कि व्हाट्सअप पेमेंट को जो आप यहां पर से जो बंद करो, तो सिंपली से जो आप इन प्रोसेस से जो आप उसको जो बंद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप यहां पर व्हाट्सअप में अपना यूपीआई आईडी को हटा सकते हो। इससे पहले दोस्तों, हम यहां पर चलिए अपना अगला वीडियो का जो विनर को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों, आपको यहां पर देखिए जो भी विनर होगा, आपको इसका लिंक जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल इसे जाकर आप इस भाई को सपोर्ट करना। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस वीडियो का विनर जो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो सिंपल इसे दोस्तों, आपको इसका चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल इसे आप इस भाई को जाकर सपोर्ट करना। और अगर दोस्तों, आप भी यहाँ पर अपना चैनल का प्रमोशन करना चाहते हो, तो सिंपल इसे दोस्तों, तो आप जो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ड्रामा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों, आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। और इस वीडियो के नीचे दोस्तों, आपको एक प्यारा सा कमेंट भी कर लेना, जिससे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर आगे आने वाले वीडियो में आप यहाँ पर विनर हो जाते हो, तो सिंपल से दोस्तों, आपका चैनल का लिंक भी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर व्हाट्सएप पेमेंट से अपना बैंक को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ। एंड इस तरह से व्हाट्सएप को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ले चलते पेमेंट वाले ऑप्शन पर। और उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा यूपीआई आईडी जो यहाँ पर अभी एक्टिवेट है। तो सिंपल इसे आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर अपना बैंक को रिमूव कर आप यहाँ पर से जो अपना यूपीआई आईडी को बंद कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पेमेंट को आप यहाँ पर कैसे डिसेबल कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर इस वीडियो को जो पूरा वॉच करना होगा। इसमें से दोस्तों, हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर इसे कर लेते हो, तो आपका यहाँ पर देखिए आपका यूपीआई प्रोफाइल जो आपका यहाँ पर व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप जो इस तरह से ओपन हो जाएगा। एंड जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होम पेज में आपको व्हाट्सएप इस तरह से दिखाई देगा। तो सिंपल से आप इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करके आपको होल्ड करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का देखिए पेज खुलकर आ जाता है। इसमें से दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पे क्लिक कर लेना है। एंड इस तरह से दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पे आ जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए स्टोरेज पे चले जाना है। एंड स्टोरेज पे जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए क्लियर स्टोरेज कर लेना है। एंड इस तरह से आप इसको ओके पर प्रेस कर दे। जैसे आप यहाँ पर क्लियर स्टोरेज कर लेते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर फिर से जो व्हाट्सअप जो है लॉग इन करना होता है। जैसे आप यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं दोस्तों, आपका पेमेंट वाला प्रोफाइल जो है आपको यहाँ पर जो है रिमूव हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपना भाषा को। एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे। तो चलिए, हम अपना मोबाइल नंबर को एंटर करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर देखिए अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लिया। और उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए इस तरह से करेक्ट नंबर पर क्लिक करके आप इसको जो इस तरह से रिक्वेस्टिंग पर भेज सकते हैं। एंड इस तरह से रिक्वेस्टिंग पर भेजने के बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर देखिए ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा। एंड जैसे ही दोस्तों, आपके यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, सिंपल से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल जो इस तरह से रिमूव भी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वेरीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड इस तरह से वेरीफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर देखिए इस तरह से जो पेज जो खुलकर आ जाता है। जिसमें से दोस्तों, आपके यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा प्रोसेस को कर लेना है। एंड इस तरह से दोस्तों, आपके यहाँ पर देखिए इस तरह से रेस्टोर बैकअप पर क्लिक करके आप इसको रेस्टोर बैकअप कर लेंगे। जैसे आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करके दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरी तरह से सेटअप हो जाने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर से देखेंगे कि आपका सब पेमेंट प्रोफाइल जो रिमूव हो चुका होगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर से जो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को जो रिमूव कर सकते हो। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को रिमूव किया हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ पेमेंट वाले ऑप्शन पर। और उसमें दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से पेमेंट प्रोफाइल देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इस तरह से दोस्तों, अगर आप इस पर फिर से जो है पेमेंट प्रोफाइल को ऐड करना चाहते हो, तो सिंपल से दोस्तों, आप यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आप इसको फिर से जो है ऐड कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों, अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, तो सिंपल से दोस्तों, आप इस तरह से जो है आप इसको जो है इस तरह से रहने दे। आपको यहाँ पर फिनिश सेटअप पर क्लिक नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर इस तरह से फिनिश सेटअप नहीं करते हो, तो आपका यहाँ पर यूपीआई आईडी जो है एक्टिवेट नहीं होगा। और आपका यहाँ पर इस तरह से दोस्तों, आपका यहाँ पर व्हाट्सएप पेमेंट जो है इस तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर से जो अपने पेमेंट मेथड को इस तरह से रिमूव कर सके होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ड्रामा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।